नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही अच्छा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर उस टॉपिक का मैं नाम कहूं तो उसे हम कह सकते हैं कड़वा, इंग्लिश में कहेंगे बिटर। आपने कई लोगों को देखा होगा कि उनकी वाणी जो होती है बहुत ही कड़वी होती है। आपने कई औरतों को देखा होगा कि वो अपने पति को काबू में रखती हैं, उनकी वाणी जो होती काफ़ी कर्कशा, काफ़ी कठोर होती है। आप अपने आसपास देख सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कुंडली में ऐसा क्या बनता है जिससे आपको एक कर्कशी वाणी वाला व्यक्ति आपको प्राप्त होता है, चाहे वो पति हो या फिर पत्नी हो। खासकर कर्कशा योग जो होता है वो स्त्रियों को लगता है, मनुष्य को, आदमियों को वो काफी कम लगता है। अगर कुंडली के पहले घर में और सातवें घर में, अर्थात अगर यहां पे राहु बैठा हो और यहां पे केतु बैठा हो, कुंडली के पहले घर में राहु बैठा हो या और सातवें घर में केतु बैठा हो, तो ये क्या कर रहे हैं? ये परस्पर एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है। इस केस में क्या होगा, जो आपकी वाइफ होगी, आपका जो पार्टनर होगा, क्योंकि केतु क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेवंथ हाउस को, पार्टनरशिप को, वो बहुत ही कटुभाषी होगा, बहुत ही कड़वा बोलेगा। परंतु जिस व्यक्ति की कुंडली में ये योग बन रहा है वो व्यक्ति बड़ा ही सीधा होगा। आप अपने आसपास देख सकते हैं बहुत से ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो बहुत ही सिंपल होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, किसी का बुरा भला नहीं करते, सिंपल और सीधा साधा जीवन जीते हैं, काफ़ी संघर्ष करते हैं जीवन में, हर चीज़ को मेहनत से प्राप्त करना उनका एम होता है। ऐसे लोग दूसरों के लिए ज़्यादा जीते हैं, अपने लिए वो नहीं जीते, बल्कि उनका जो एम होता है ज़िंदगी में वो दूसरों को समर्पित करना होता है, दूसरों के लिए अपने कार्यों को समर्पित करना होता है। परंतु ऐसे लोगों की कुंडली में अगर ऐसा योग बनता है तो उनके मित्र, उनकी वाइफ या फिर उनका पार्टनर काफ़ी कटुवादी होगा। अब इसका उपाय कैसे करना है, आपको मैं जितने भी योग हैं और जितने भी योग से प्रॉब्लम होती है, जैसे मंगल योग हो गया, मंगल के कारण होता है, काल सर्प हो गया, केमद्रुम हो गया या फिर कर्कशा योग हो गया, इन सभी योगों की एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं हर योग के बारे में बताऊंगा कि इस योग को आप इसका ये निवारण कर सकते हैं, इसके लिए ये निवारण कर सकते हैं। कर्कशा योग में आप ध्यान रखिए, अगर आप भोजन करते हैं या फिर सवेरे या शाम को या दोपहर में एक रोटी निकाल कर आप पक्षियों को खिला दें, या अगर पक्षी नहीं मिलते हैं तो आपको डॉग, स्ट्रीट डॉग मिलेंगे, कुत्ते मिलेंगे, आप उनको खिला सकते हैं। एक रोटी, ताजी रोटी आपको खिलानी है, बासी रोटी नहीं खिलानी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो इससे होगा क्या, जो केतु है, केतु का प्रकोप शांत होगा, वो धीरे धीरे जो कर्कशा योग बन रहा है उसमें नमी लाएगा और ऐसे लोग मिठास फील करेंगे अपने रिस्पेक्टिव कॉरस्पॉन्डिंग पार्टनर से। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको कर्कशा योग समझ में आया होगा, बहुत सिंपल था। और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे बेल आइकॉन पर प्रेस करना जरूर ना भूलें, हमें शेयर करना ना भूलें ताकि लोगों को फ़ायदा हो। अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ज्योतिष घर प्ले स्टोर से, अपने क्वेश्चन हमें भेज सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द निवारण करेंगे, आपको उसका सलूशन देंगे। अगर तब भी आपको अगर लगता है कि हम डिले कर रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी अपनी क्वेरी लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।